महंगाई माफिया बेलगाम, मुर्गी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, मजीद 7 रुपए इजाफे से ब्रायलर 422 रुपए किलो तक जा पहुंचा। खरीब भी परेशान, ईद पर भी मुर्गी का गोश्त नसीब नहीं होगा। सिविल एविएशन का जाली कोरोना रिपोर्ट्स पर सफर के वाकियात का नोटिस, तमाम एयरलाइंस के लिए नई हिदायत जारी कर दी। मुसाफिर तस्दीक शुदा लेबोरेटरी से कोरोना टेस्ट कराए, दुरुस्त रिकॉर्ड के बगैर रिपोर्ट कबूल नहीं होगी। मोहलत खत्म, बैरल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, परदेसी घरों को चले गए। आखिरी रोज लारी अड्डों पर रश रहा, मनमाने किराए की वसूली की शिकायत। प्राइवेट गाड़ियों को निस मुसाफिरों के साथ सफर की इजाजत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब 15 मई की सुबह 6 बजे से दोबारा बहाल होगी। रेलवे ने आवाम की सहूलत के लिए ई स्पेशल ट्रेनें चलाती, 77 गाड़ियां दो तरफा रूट पर दौड़ती नजर आएंगी। लाहौर से ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का मंसूबा फ्लॉप, मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम, 5 ट्रेनों में सिर्फ 154 मुसाफिरों ने सफर किया। कराची से आने वाली ट्रेनें मुनाफा बख्श रहीं, 1500 मुसाफिर लाहौर पहुंचे, 23 लाख आमदन हुई। रमजान बाजार खत्म, आखिरी रोज भी आवाम ख्वार, किसी को चीनी ना मिली तो किसी को आटा ना मिला, 2 किलो चीनी के लिए लंबी कतारें, घी की भी तलाश। वहदत कॉलोनी बाजार में 30 से 40% स्टॉल्स बंद, खरीदारों को मुश्किलात। रमजान बाजार आज से मॉडल बाजार बदल गए, चांद रात तक खरीदार की ऑप्शन। बजट आन पहुंचा, तमाम महकमों के गैर तरक्याती अकाउंट भी बंद, फिलहाल खजाने से कुछ नहीं मिलेगा। महकमा खजाना के मुलाजमीन की ईद पर छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। सेक्रेटरी खजाना ने अफसरान और मुलाजमीन को तलब कर लिया, तातीलात में काम करने वालों को खुसूसी एजाजिया दिया जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी काफियत, कोरोना से कारोबार दबा, प्राइवेट स्कूलों की भारी फीसें कहां से दें, हजारों बच्चे स्कूल से निकल गए। वालिदैन ने दाखिलों के लिए सरकारी स्कूलों का रुख कर लिया, 45,000 से ज्यादा दाखिले, नए तलबा के लिए कमरा जमा कम पड़ गए, 100 नए स्कूल के लिए 20 करोड़ मुख्तस। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन ग्रैंड रेवेन्यू की बड़ी कामयाबी, इनोवेटिव बिस्किट कंपनी के मालिक शेख मुनीर हुसैन ने सेल्स टैक्स की मद में 40 करोड़ जमा करा दिए। वाजिबुल अदा कुल रकम का 10% अदा करने पर लाहौर हाईकोर्ट से जमानत भी मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश, नैब लाहौर ने 28 अप्रैल को खत हेडक्वार्टर को लिख दिया था। लीग सदर की लाहौर हाईकोर्ट से जमानत की हालिया तफसीली फैसले और आइंदा के मुमकिन लाए अमल पर भी मुशावर। शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकना गलत है, जियाले के दिल में आज भी दरीना दोस्त के लिए नरमी, कमर जमान कायरा ने साथ ही शिकायत का तीर भी ताक दिया, कहा हमारे दोस्त हमसे लड़ने के बजाय हुकूमत से लड़ते तो आज उनसे जान छुड़वा लेते, हुकूमत को भी खरी खरी सुनाती। पंजाब असेंबली में PTR के प्रेशर ग्रुप की इजारादारी खत्म करने का फैसला, वजीर आजम ने सरकारदार हकीम की फहरिस्त मांग ली, ग्रुप को किसकी हिमायत हासिल, कितने अराकीन शामिल, काबीना का कौन कौन सा वजीर हिस्सा है, सबका हिसाब होगा। टेफ्टा की तामीर और तरक्की के लिए अहम कदम, 14 रुकनी नया बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दे दिया, चेयरमैन अली सुल्मान सदीक, राय ताहिर मंजूर, पेट्रोन एन चीफ एफ्टमा गोहर इजाज शामिल, सेक्रेटरी PND इमरान सिकंदर, साकिब शिराजी, रेहान नसीम, मेहरीन नून, सादत एजाज भी बोर्ड का हिस्सा है। पुलिस लाइंस कलाकुचर सिंह में एहलकारों की वैक्सीनेशन, 300 से ज्यादा एहलकारों को बचाव के टीके लग गए, सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का पुलिस लाइंस का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस के 40 साल से ज्यादा उम्र के 9000 एहलकारों को वैक्सीन लगाई जानी है, डॉक्टर यास्मीन बेहतरीन इंतजामात पर कमिश्नर की मोतरफ, मोहम्मद उस्मान ने टीम वर्क करार दे दिया। अमेजोन के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंपनियों की पूरी दुनिया तक रसाई का मौका, ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया, अब पाकिस्तान की मसनूआत दुनिया भर में पहुंचाई जाएगी।
पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से होम डिलीवरी सर्विस का आगाज। पोस्ट मास्टर जनरल इमरान रजा ने इफ्तिताह किया। शाह जावेद, समन शेरासी, असमानीन, हसन मोहसिन और दीगर अफसरान भी हमरा रहे। महकमा पोस्ट की टीस टीम में कोरोना के दिनों में सामान आपके प्यारों तक पहुँचाएंगी। सिटी 42 की शहर रमजान ट्रांसमिशन मोहम्मद वकार आजम ने नातिय मुकाबला जीत लिया। मरहमा की जानिब से मोटरसाइकिल और दीगर इनामात के हकदार करार पाए। हसन कादरी और अली काजिम रिजवान ने भी फाइनल तक रसाई हासिल की। इंशाल्लाह और मेहनत करूंगा, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। मुझे सिटी 42 के मुकाबले में बहुत मजा आया और मुझे विन होने में मुझे बाइक मिली है। लीगी रहनुमा कैसर अमीन बट की रिहाशगाह पर तकमीले कुरान की मुनासबत से महफिल। कारी हजरात की खिदमत में तहायफ पेश किए गए। और लॉलीवुड स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा 44 बरस की हो गई। मीरा ने फिल्मों से कम और स्कैंडल से ज्यादा शोहरत पाई। पुलिस लाइंस कलाकुचर सिंह में अहलकारों की वैक्सीनेशन। 300 से ज्यादा अहलकारों को बचाव के टीके लग गए। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का पुलिस लाइंस का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस के 40 साल से ज्यादा उम्र के 9000 अहलकारों को वैक्सीन लगाई जानी है। डॉक्टर यास्मीन बेहतरीन इंतजामात पर कमिश्नर की मोहतरिफ। मोहम्मद उस्मान ने टीम वर्क करार दे दिया। अमेजोन के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंपनियों की पूरी दुनिया तक रसाई का मौका। ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। अब पाकिस्तान की मसनूआत दुनिया भर में पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से होम डिलीवरी सर्विस का आगाज। पोस्ट मास्टर जनरल इमरान रजा ने इफ्तिताह किया। शाह जावेद, समन शेरासी, असमानीन, हसन मोहसिन और दीगर अफसरान भी हमरा रहे। महकमा पोस्ट की टीस टीम में कोरोना के दिनों में सामान आपके प्यारों तक पहुंचाएंगी। सिटी 42 की शहर रमजान ट्रांसमिशन मोहम्मद वकार आजम ने नातिय मुकाबला जीत लिया। मरहमा की जानिब से मोटरसाइकिल और दीगर इनामात के हकदार करार पाए। हसन कादरी और अली काजिम रिजवान ने भी फाइनल तक रसाई हासिल की। इंशाल्लाह और मेहनत करूंगा, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। मुझे सिटी 42 के मुकाबले में बहुत मजा आया और मुझे विन होने में मुझे बाइक मिली है। लीगी रहनुमा कैसर अमीन बट की रिहाशगाह पर तकमीले कुरान की मुनासबत से महफिल। कारी हजरात की खिदमत में तहायफ पेश किए गए। और लॉलीवुड स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा 44 बरस की हो गई। मीरा ने फिल्मों से कम और स्कैंडल से ज्यादा शोहरत पाई।